हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी अच्छे हैं? मैथ पढ़ने में किसको किसको मजा आ रहा है बताइए, किसको किसको मजा आ रहा है? सबको मजा आ रहा है। हमने आपको लेसन 6 में पढ़ाया था मल्टीप्लिकेशन, सॉरी डिवाइड पढ़ाया था, है ना? अब हम लोग लेसन 7 पढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लंबाई को मापना। लेंथ मीन्स क्या होता है? लंबाई। लंबाई को मापना, हम लोग लंबाई को कैसे मापते हैं, किसके थ्रू मापते हैं, है ना? तो वही हमको पढ़ना है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। इसमें देखिए, हम लोग दो प्रकार से लेंथ को मेजर कर सकते हैं। पहला तो अपने हाथों से मेजर कर सकते हैं ना, एक उंगल एक हाथ ऐसे मेजर करते हैं। और दूसरा क्या होता है, हम लोग इंच से नापते हैं, यानी कि स्केल से, है ना, स्केल से मापते हैं लंबाई को। तो जो फर्स्ट वाला था वो मेरा नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट था, और दूसरा क्या है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट, यानी कि स्टैंडर्ड वे, है ना। तो देखिए, लंबाई को हम लोग किसमें मापते हैं, मीटर, सेंटीमीटर और इंच में। किसके किस मापते हैं, सेंटीमीटर मीटर इंचेज में मापते हैं। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, कितना होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। जैसे आप लोग कभी कपड़ा लेने जाएंगे, आपके पापा कपड़ा लेने जाते हैं, तो मीटर में कपड़ा खरीदते हैं, उसके बाद सिलवाते हैं, है ना। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं इसके एक्सरसाइज की। देखिए, पेज नंबर 83 पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मीजर इन मीटर एंड विच विल बी इन सेंटीमीटर। यहाँ पे जो पिक्चर बना हुआ है, इसमें हम किसको मीटर में मीजर करते हैं और किसको सेंटीमीटर में मीजर करते हैं, किसको मीटर में मीजर करेंगे और किसको सेंटीमीटर में मीजर करेंगे। जैसे देखिए, यहाँ दिया है, ये क्या है, ये ब्रिज है ना, एक ब्रिज है। तो ब्रिज लंबा होता है, बहुत ज़्यादा लंबा होता है, इसको तो हम स्केल से मापेंगे नहीं, किस स्केल से मेजर कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसे मीटर से मापते हैं, किससे, मीटर से। द लेंथ ऑफ अ ब्रिज, तो मीटर से हम लोग इसे मेजर करते हैं। ये पेंसिल है, देखिए क्या है, पेंसिल है, ये छोटा है ना, ये मीटर में तो होगा नहीं, किस में होगा, सेंटीमीटर में होगा, इसलिए यहाँ क्या लिख दिया हम लोग, सेंटीमीटर लिख दिए। अब ये देखिए, ये हम लोग किस में मापेंगे, इसे भी तो हम लोग सेंटीमीटर में ही मापेंगे, हाइट है ना, हाइट ऑफ अ टेबल। अच्छा, टेबल की हाइट पूछी है, तो इसे हम लोग मीटर में मापते हैं, किस में मापते हैं, मीटर में, ठीक है। ये पेड़ है ना, द हाइट ऑफ अ ट्री, इस पेड़ की लंबाई यानी कि ऊंचाई कितनी होगी, तो इसे हम लोग मीटर में मापते हैं। अब द लेंथ ऑफ अ वुड, अब लकड़ी का ये जो लंबाई है, इसे हम लोग किसमें मापते हैं बताइए, इसे हम लोग भी मीटर में मापते हैं। अब ये क्या है, चौक है ना, अब चौक को हम लोग किसमें मापेंगे, चाक तो छोटा सा होता है, चाक मेरा छोटा सा होता है, इतना बड़ा सा होवे करता है, तो इसको हम लोग किसमें मीजर करेंगे, सेंटीमीटर में मीजर करेंगे, छोटी चीज को सेंटीमीटर में और जो बड़ी चीज हो उसको हम लोग मीटर में मीजर करते हैं। जैसे छोटा चीज है और वो लंबा कम है, तो उसे हम लोग सेंटीमीटर में मीजर करेंगे, और जो बहुत बड़ा है बहुत लंबा, उसे हम लोग मीटर में मीजर करेंगे, ठीक है। तो हम लोग छोटे चीज को सेंटीमीटर में मीजर करते हैं और बड़े चीज को मीटर में मीजर करते हैं। जैसे देखिए, ये क्या है, ये फुट है, पैर है ना, अब पैर को हम लोग किसमें मीजर करेंगे, छोटा है तो सेंटीमीटर में मीजर करेंगे। ये क्या है, रूम है, अब कमरे की लंबाई है, अब बताइए किसमें मीजर करेंगे, बड़ा है ना तो मीटर में मीजर करेंगे इसे। ऐसे ये क्या है, ब्लेड है, अब ब्लेड तो छोटा सा होता है, तो छोटी चीज को हम लोग सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, तो ये क्या इसमें हो जाएगा, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो आप सबको समझ में आया कि लेंथ को हम लोग किस में मेजर करते हैं, मीटर और सेंटीमीटर में। बड़ी चीज हो तो मीटर में, छोटा चीज हो तो सेंटीमीटर में। तो इसे आप लोग करिएगा अपने अपने बुक में, हम कल फिर मिलते हैं, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।